एक्सरसाइज 1.4 का 7th क्वेश्चन है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। इस क्वेश्चन को एक डायग्राम से समझते हैं। बोला गया है एक एलिवेटर है जो माइन शाफ्ट पर नीचे की ओर जा रहा है, तो मान लीजिए ये माइन शाफ्ट है एंड ये एलिवेटर है एंड ये ग्राउंड लेवल है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो एलिवेटर है वह ग्राउंड लेवल से 10 मीटर एवव यानी ऊपर है, तो ग्राउंड लेवल से इस एलिवेटर का डिस्टेंस कितना हुआ 10 मीटर, और यह एलिवेटर नीचे की ओर जा रहा है जो कि ग्राउंड लेवल से -350 मीटर नीचे तक पहुंच जाता है। तो मान लीजिए -350 मीटर ग्राउंड लेवल से नीचे यहाँ पे कहीं पे है, तो ये एलिवेटर नीचे की ओर जब जाता है तो 350 मीटर नीचे पहुंच जाता है। तो ये 350 मीटर का डिस्टेंस है वह ग्राउंड लेवल से इस एलिवेटर के बीच का डिस्टेंस है, बट क्वेश्चन में -350 दिया है, तो माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ग्राउंड लेवल के नीचे है, तो नीचे को माइनस इंटीजर से मीन्स नेगेटिव इंटीजर से शो किया गया है एंड ऊपर वाले को पॉजिटिव इंटीजर से शो किया गया है। एंड यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया है क्योंकि क्लियर दिख रहा है कि ये ग्राउंड लेवल से नीचे है। तो हमसे पूछा गया है कि एलिवेटर आपका स्टार्टिंग में है यहाँ पे एंड यह ग्राउंड से 350 नीचे यहाँ पे पहुंच जाता है माइन शाफ्ट के द्वारा, तो यहाँ से जब शुरू होता है चलना और यहाँ तक पहुंचने में टोटल इसे कितना टाइम लगता है, हमें टोटल टाइम फाइंड करना है। तो पहले टोटल टाइम फाइंड करने के लिए हम फाइंड कर ले टोटल डिस्टेंस कितना है, क्योंकि एलिवेटर है यहाँ पे कहाँ पे ग्राउंड से 10 मीटर अबव, तो 10 मीटर तो ये हो गया एंड ग्राउंड से 350 मीटर नीचे तक जाना है, तो ये 10 एंड ये 350 दोनों को ऐड कर लें तभी तो टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए टोटल डिस्टेंस फर्स्ट 10 है जो कि ग्राउंड से ऊपर है, देन ऐड करना है 350 से जो कि ग्राउंड के नीचे है, तो टोटल 350 प्लस 10 360 मीटर हो जाएगा, मतलब इस एलिवेटर को टोटल 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, नीचे की ओर जाना है। एंड इसमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि एलिवेटर की जो स्पीड है 6 मीटर पर मिनट है, मतलब यह एलिवेटर 6 मिनट पर मीटर की स्पीड से नीचे की ओर जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है एंड यहाँ पे स्पीड दिया है, तो टाइम निकाला जा सकता है। कैसे, आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का नाम सुना होगा, इसका एक फार्मूला होता है टाइम इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, टोटल डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दे तो टाइम निकल जाएगा। डिस्टेंस दिया है 360 एंड स्पीड दिया है 6 मिनट पर मीटर मीन 6, तो 360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 वन जा 6 एंड ये 6 6 जा 36 एंड एक जीरो है मीन 60, तो आ गया 60 मिनट। हमने टाइम फाइंड किया है ना, टाइम किस में है, मिनट में है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या यूनिट दी गई है, मिनट। क्वेश्चन में जो यूनिट दी गई है हमें उसी यूनिट को आंसर में लिखना है। देन सेकंड चीज, सेम यूनिट वाले का ही ऑपरेशन होता है, तो यहाँ पे देखिए ये मीटर में दिया है एंड ये भी मीटर में दिया है, इसलिए हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। यदि इनका यूनिट सेम नहीं होता तो पहले हम इनका यूनिट सेम करते देन डिवाइड करते, तो इस तरह टाइम आया है मिनट में क्योंकि क्वेश्चन में भी मिनट में ही दिया था। तो आपको यही पता है कि 60 मिनट इक्वल 1 आवर होता है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो चाहे 60 मिनट को आप 1 आवर लिख सकते हैं, तो आपका जो आंसर है वह 60 मिनट या 1 आवर है, मतलब ये एलिवेटर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टोटल 60 मिनट का टाइम लेगा। सो थैंक यू।